వర్షాకాలకు ముగ్గు పెట్టేది. రానున్న 3 రోజుల్లో సైక్లోన్ వస్తున్నది, అందరూ అదుపుకు వెళ్ళిపోవాలను. మత్స్యకారులకు ముగ్గు పెట్టేది. రానున్న 3 రోజుల్లో సైక్లోన్ వస్తున్నది. माझी भाई एवं भारतीय कोस्टगार्ड तरफ से एक विशेष अपने उद्देश्य जानानो होच्छे, अपनारा जरा एई मुहूर्ते फिशिंग करछेन तारा नेक्स्ट एक दिनेर मध्ये अपने निजेदेर जेटीते फिरे जान। एई मुहूर्ते समुद्रे थाका अत्यंत विपज्जनक। भारतीय कोस्टगार्ड तरफ से आबार जानानो होच्छे समस्त मत्स्यजीवीरा आपनारा निजेदेर निजेदेर जेटीते फिरे जान। 19-20 तारीखेर मध्ये साइक्लोन आम्फान आमादेर कोस्टल लाइने हिट करबे। आपनादेर जैसे अभी आप देख रहे हैं ये रेनफॉल का फोरकास्ट है, जो रेड कलर है वो दर्शाता है कि वो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जोन है। हमारा ये उम्मीद है कि वेस्ट बंगाल में स्पेशली कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने का उम्मीद किया जा रहा है, यानी साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, वेस्ट एंड ईस्ट मिदनापुर एंड हुगली, कलकत्ता, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में हम हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल उम्मीद कर रहे हैं 19 तारीख को और 20 तारीख को। और इसके साथ साथ ओडिशा में नॉर्थ कोस्टल ओडिशा डिस्ट्रिक्ट्स में हम आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंगल से हुआ है कि इसका समाधान किया जाए और समाधान हो रहा है। जो भी टीमें मांगी गई हैं, जैसा मैंने कहा कि अभी 3 टीम और 2 टीम और मांगी गई है एनडीआरएफ की, तो वो भी दी गई है। और जो जो ज़रूरत रखी जाती है, चाहे पश्चिम बंगाल की हो चाहे उड़ीसा की हो, उसको हम लोग यहाँ जो उच्चतर स्तर है वहाँ से डिसीशन दिया जा रहा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की समस्या है।